कोरोना काल के आपातकाल में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग का बुरा हाल होता ही जा रहा है। यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, जिन्हें लोग बाबा, हुजूर, महाराज, साहब आदि के नामों से सम्मान पूर्वक पुकारते हैं, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वही स्वास्थ्य मंत्री के अधीनस्थ अधिकारी इनकी बात तक नहीं मानते हैं और रायपुर की सीएमएचओ बघेल मैडम तो फोन तक उठाना जरूरी नहीं समझती है। आइए देखते हैं स्वास्थ्य मंत्री के स्वास्थ्य विभाग पर एक परिचर्चा। नमस्कार, आज हम सब उपस्थित है हिंदुस्तान स्काउट गाइड के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पर्यावरणविद डॉक्टर राकेश मिश्रा जी। मिश्रा जी, आपका हमारे बुलंद हिंदुस्तान के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ में कोरोना महामारी को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों से आप कितना संतुष्ट है? आपने देखा कि वहाँ स्कैनिंग मशीन नहीं थी और जो टनल थी वो भी काम नहीं कर रही थी, कोई डॉक्टर की व्यवस्था नहीं थी, स्कूल की बसें थी उस पर भी काम ठीक से नहीं हो पा रहा था, जो ड्राइवर कंडक्टर जा रहे थे वो गंतव्यों पर उनको ठीक से सुविधा नहीं मिल पा रही थी। तो ये सब बातें तो ठीक हैं, लेकिन सरकार को चाहिए कि इम्प्लीमेंटेशन को ठीक से करें। इसके लिए हमने सीएमएचओ को भी फ़ोन किया, उन्होंने भी फ़ोन नहीं उठाया, संबंधित थाना प्रभारी को फ़ोन किया, उन्होंने भी फ़ोन नहीं उठाया। तो जब सामान्य आदमी का फ़ोन नहीं उठाएंगे तो ऐसी स्थिति में बहुत मुश्किल होगी। इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी अपना काम तो कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझ में आता कि उनके अधीनस्थ अधिकारी उनकी बात क्यों नहीं मान रहे हैं, और अगर वो अधिकारी बात नहीं मान रहे हैं तो उससे कोई मतलब नहीं है फिर कैसे काम करने का। सरकार के आंकड़े बता रहे हैं कि 5 से 6 माह में लगभग 60,000 लोग कोरोना की चपेट में आ जाएगी, इस पर आपका क्या कहना है? एक पहली गलती तो ये है कि उन्होंने आज के तारीख तक जो आंकड़े दिए थे वो 80 दिए थे, और उन आंकड़ों को 80 की जगह आज की तारीख में वो 200 से पार है संख्या। अगर इस तरह से ही अगर आंकड़े देना है और अध्ययन करना है तो ऐसे अध्ययन की कोई आवश्यकता नहीं है, इनकी ड्यूटी लगानी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर ये इसी तरह से आंकड़े जो बढ़ रहे हैं, जो वास्तविकता में बढ़ रहे हैं, तो 4 से 6 माह में ये 2.25 लाख से 2.5 लाख के बीच में आराम से पहुँच जाएंगे। अभी सरकार को ये चीज़ सोचना होगा कि इनकी व्यवस्था क्या है। प्लान सरकार ने बहुत अच्छा किया है, पंचायत लेवल पर सहूलियत देने की बात की है, लेकिन क्या पंचायत लेवल पर वो सारी सुविधाएं उपस्थित हैं? वहाँ डॉक्टरों की व्यवस्था है? शहर में तो डॉक्टर नहीं है, पंचायत पर हम व्यवस्था कर रहे हैं, क्वारंटाइन सेंटर बना दे रहे हैं, क्या पंच और सरपंच को ये सारी चीज़ों के बारे में ट्रेनिंग दी गई है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है सरकार के लेवल पे, और उनको आवश्यक ट्रेनिंग देनी चाहिए। और मेरा ये भी कहना है कि जो डॉक्टरों की पूर्ति नहीं है, जिसपे स्वास्थ्य विभाग बहुत डिले कर रहा है, और क्यों डिले कर रहा है हमें नहीं मालूम, कई प्रकार के विज्ञापन निकाले गए हैं, लेकिन किसी भी विज्ञापन में, जबकि मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश दे दिया था कि कलेक्टर को अधिकार है, सीएमएचओ को अधिकार है तुरंत डॉक्टर को लेने का, इस बात को भी पुरान करीब 1 महीना से ज़्यादा हो गया है, बल्कि 2 महीने हो गए, लेकिन आज तक किसी भी डॉक्टर की नियुक्ति न तो कलेक्टर के द्वारा हुई है और न ही सीएमएचओ के द्वारा हुई है। और इसमें बहुत सारे डॉक्टर जो हैं अपने छत्तीसगढ़ में ही हैं, वो भी घूम रहे हैं, डिपार्टमेंट में घूम रहे हैं, किसी के रजिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है। तो सरकार को चाहिए कि थोड़ा गंभीरता से सोचे। प्लान सरकार बहुत अच्छा कर लेती है, लेकिन क्रियान्वयन में सरकार फेल है, और स्पेशली स्वास्थ्य मंत्रालय की स्थिति तो बहुत ही खराब है। पुलिस प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में तो स्वास्थ्य विभाग का ही मेन अमला है, और केंद्र शासन की तरफ से भी और जो भी बातें हो रही हैं उसके आधार पर जिस तरीके से जो छत्तीसगढ़ के फार्मूले को लेकर हम लोग बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे थे कि यहाँ ऐसे आंकड़े कम हैं और बाहर के प्रदेशों से लोग आके हमारे यहाँ प्रदेश में रहने की बात कर रहे थे, लेकिन पिछले 3 दिनों में जो स्थिति बिगड़ी है वह बहुत भयावह स्थिति की ओर इशारा कर रही है। क्या लगता है आपको, जब राजधानी की सीएमएचओ बघेल मैडम फोन नहीं उठाती है तो बाकी अन्य जिलों का क्या हाल होगा? देखिए, एक तो वो महिला है, हो सकता है वो इतनी सक्षम नहीं है काम करने में, वो मेरे को ऐसा लगता है, ये मेरी व्यक्तिगत राय, गलत भी हो सकती है, लेकिन माननीय स्वास्थ्य मंत्री को सोचना चाहिए कि राजधानी में अगर ऐसा सीएमएचओ है तो एक तेज तर्रार सीएमएचओ की जरूरत है, जो कम से कम 18 घंटे फील्ड पे रहे और लोगों के साथ अपनी व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति को देखने में सक्षम हो सके। और यदि हम अपने कमरे में बैठ के फोन से रिपोर्ट लेते रहेंगे तो ये प्रैक्टिकल दिक्कत आएगी, और लोगों को ये पता है कि हाँ, हमारे सीएमओ कितने एक्टिव हैं।